हेलो दोस्तों, नॉलेज टीवी पर आपका स्वागत है। दुनिया के ज्यादातर देशों में ट्रेन यानी रेलवे एक बेहद ही इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। आज अब जानेंगे घान के बारे में, दुनिया का सबसे लंबा टूरिज्म ओरिएंटेड पैसेंजर ट्रेन। ये ट्रेन ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड को डार्विन से जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न और साउदर्न कोस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये एक लग्जरी ट्रेन है। इसका टोटल ट्रैवलिंग टाइम है 53 घंटे 15 मिनट। अब जानेंगे द घान के रेल रूट के बारे में। ये रेल कॉरिडोर ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न कोस्ट को साउदर्न कोस्ट से जोड़ता है। इस रेल कॉरिडोर की लंबाई है 2979 किलोमीटर। ये ऑस्ट्रेलिया में एक स्लीपर सर्विस ट्रेन है जो कि एडिलेड से डार्विन तक चलती है। ऑफ सीजन में इसमें 30 बोगियां लगी होती हैं और इसका कुल लेंथ होता है 774 मीटर। और जब हाई डिमांड का सीजन आता है तब इसमें होती हैं 44 बोगीज और इसका कुल लेंथ होता है 1096 मीटर। अपने टोटल जर्नी में इस ट्रेन को लगता है 3 दिन का समय, मतलब कि 53 आवर्स एंड 15 मिनट्स। द घान ट्रेन से जुड़े कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। द घान एडिलेड डार्विन रेल कॉरिडोर पे चलती है। दूसरा फैक्ट यह है कि ट्रेन 2979 किलोमीटर का सफर तय करती है। द घान से जुड़ा तीसरा फैक्ट यह है कि इसका टोटल ट्रैवल टाइम है 53 आवर्स और 15 मिनट्स। चौथा फैक्ट यह है कि ऑफ सीजन में इस ट्रेन में होती हैं 2 लोकोमोटिव्स यानी कि 2 रेल इंजन और 30 बोगीज। पांचवा फैक्ट, हाई डिमांड सीजन में इसमें होती हैं 44 बोगीज और इसका कुल लेंथ होता है 1096 मीटर्स। एक और फैक्ट यह है कि इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी अगस्त 1929 में। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि द घान अपने शुरुआती दिनों में एक नैरो गॉज रेलवे ट्रैक पर चलती थी। तब उसका आखिरी डेस्टिनेशन था एलिस स्प्रिंग्स तक। सन 1957 में रेलवे ट्रैक के नैरो गॉज को स्टैंडर्ड गॉज में तब्दील कर दिया गया और तब ये स्टैंडर्ड गॉज 1435 मिलीमीटर का था। सो दिस इज द एंड टू दिस ब्लॉग। आई होप यू लाइक दिस। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।